हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्प्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसे आज हम रिविजन के साथ साथ इसे कंप्लीट भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा डिस्प्रेशन है बच्चों, रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था, देखो यहाँ पे डायग्राम्स लिया था, डाइजेशन। आप जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, जब हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा, ठीक है, वो कहाँ जाता है? तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। कहाँ पे जाता है? तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? वो सीधे चला जाएगा हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे हर एक बॉडी के सेल तक, क्योंकि हम मिलियन बिलियन सेल से बने हैं। और हमारा जो सेल है बेटा, वो क्या करता है? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो एनर्जी कौन बनाता है? हमारे बॉडी के सेल बनाते हैं। और हमारे जो बॉडी के सेल्स एनर्जी बना रहे हैं, उनको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? फूड या न्यूट्रिएंट चाहिए। फूड के जो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो उन्हें चाहिए, ठीक है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, ठीक है। और इनकी जो रिक्वायरमेंट क्या क्यों पड़ती है? तो बॉडी इनसे यूज करके वेरियस टाइप की केमिकल्स सिक्रेट करता है, लाइक एंजाइम, हार्मोन, ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। तो आफ्टर दैट मैंने इस चैप्टर में बताना शुरू किया था कि हम जो डाइजेस्टेड फूड हमारा है, ठीक है, वो कैसे ऑब्टेन होता है। तो हम कोई भी फूड क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन के प्रोसेस से हमारे हर एक सेल में पहुंच जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इजेशन के प्रोसेस से वो आउट होता है। व्हाट विल हैपन डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी? डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज होता है, और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और ऑक्सीडाइज कैसे हो पाता है? तो इसलिए ब्रीदिंग चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ बताया गया था ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। तो आपका रिस्पिरेशन में बेटा, जो आप ये हमारा क्या है, रिस्पिरेशन क्या है? तो हमने ये बताया था, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल। और ये हमारा क्या था बेटा? ये हमारा क्या था, इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ATP का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, एडीनोसाइन, ADENOSINE, ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस। रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो सरवाइव करने में हेल्प करता है। एंड कंटिन्यूअस टू इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट गोज इन साइड द ह्यूमन बॉडी एट ऑल टाइम, जो हमारे बॉडी के अंदर बार बार जाता रहता है। अब यहाँ पे ये कहोगे कि सर ये कौन सा डायग्राम है? तो यहाँ पे बेटा ये सेल है, दिस इज अ सेल, ओके। इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोसोल दिखाया गया है। साइटोसोल लिक्विड सब्सटेंस को बोलते हैं, जो उसमें अलेबल्स होते हैं। और इन माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए 6H12O6 जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इन करता है इस सेल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही वो इंटर होता है, तो यहाँ पे लाइसोसोम जो होते हैं, अब ये समझे, एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज को पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये पायरोबिक एसिड कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अभी इन चीजों पे आप ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि ये आगे की टॉपिक्स हैं जो आएगी। आपको बस समझना है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के लिक्विड वाले पार्ट में, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, जो पाइरूवेट एसिड बनाता है, और ये एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनाती है बेटा? ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
और जो फूड का प्रोडक्शन प्लांट करता है वो किस प्रोसेस से करता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी एंड विद रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन में हमने बताया था बेटा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन, दो तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में आपको बताया गया है कि जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है, ये एक तरह का प्रोसेस है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस दिस टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड गिव आउट CO2 एंड H2O देयरफॉर एटमोस्फियर। ओके, ब्रीदिंग मतलब क्या हो गया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग रेट क्या है, नंबर ऑफ टाइम ऑफ पर्सन ब्रीद इन इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना पर्सन कोई ब्रीथ करता है उसी को ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। तो एडल्ट ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट मैंने बताया था 15 to 18 मिनट होता है बेटा, वुमेन में 18 to 20 टाइम होता है, वुमेन में स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेन ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वो मेनी स्टेप में, जैसे कि नोज माउस, नोज से एयर इन करेगा, ठीक है, माउस से भी इन कर सकता है, फैरिंक्स में जाएगा जिसे विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया में जाएगा, ब्रॉन्ची में जाएगा, फिर अल्वोलाई। फैरिंक्स मिड पॉइंट है, ट्रैकिया विंड पाइप है, और ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चियोल्स में, देन अल्वोलाई से अल्वोलस में, अल्वोलस से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है लंग्स के अंदर यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ब्रीदिंग का रिस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन क्या है, तो नोज है। इट हैज टू नोस्टियल्स होते हैं जिसमें हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर एंड म्यूकस पाए जाते हैं। हेयर टॉप और क्या करता है, ट्रैप करता है किनको, डस्ट पार्टिकल्स को एंड जर्म्स को, एंड ट्रैप करके उन्हें क्या करता है, स्टॉप कर देता है विंड पाइप में जाने से, एल्वोलाई में पहुंचने से, जिससे एयर फिल्टर हो जाती है। नेजल कैविटी क्या होता है, तो ये बेटा लॉन्ग हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोस्टियल्स। नोजल जो फेज है वो कहाँ है, ठीक है, तो नोजल फेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इस नोजल फेज में आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि ये बेबी को देखो, आप भी बेबी हो तो ध्यान से देख सकते हो, नोजल एक्टिविटी कैविटी, ये रहा हमारा नोजल कैविटी, ठीक है। तो इस नोजल कैविटी में हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोस्टल, नोस्टल्स के पीछे एक स्पेस होता है उसी को कहते हैं। फैरनिक्स क्या है, तो फैरनिक्स अभी जस्ट बताया मैंने कि मिड पॉइंट ऑफ द ओरल कैविटी एंड नोसल कैविटी। ओरल कैविटी नहीं समझ पाया, तो मुंह का पूरा खुला हुआ हिस्सा एंड नोज का खुला हुआ हिस्सा, जहां जिस पॉइंट पे मिल रहा है बेटा वहां पे हम क्या बोलते हैं, फैरनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो किस इसकी ओपनिंग किसमें होती है, तो ट्राइकिया में होती है। इसे क्या लिखोगे, लीड टू द ट्राइकिया। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप के नाम से जानी जाती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, नोज टू माउथ में ओपन होती है एंड लंग्स में, ठीक है। ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स के बारे में बताए थे। ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रॉन्ची। एल्वोलाई क्या होता है, तो देखो ग्रेफ्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे एल्वोलर सैक में दिख रहे हैं बेटे, वो ग्रेफ्स लाइक स्ट्रक्चर्स को ही एल्वोलाई बोलते हैं, और उसमें से एक ग्रेफ्स को क्या बोल दोगे, एल्वोलस, ठीक है, जो गैसों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो चलिए आइए स्पॉन्जी ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पॉन्जी ऑर्गन कौन है बेटा, तो लंग्स है। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस, ओके, CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर टू इन आवर बॉडी, ठीक है। ये कौन है, तो लंग्स है। इट इज कहाँ लोकेटेड है लंग्स बेटा, तो हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। कहाँ पाया जाता है, तो चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। कितने लंग्स हैं आपके पास, तो आप बोलोगे दो लंग्स है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लंग्स की प्रोटेक्टेड किससे होती है, इसकी प्रोटेक्शन किससे होगी, तो रिब केज से ये हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर दैट हम बेटा आज पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, तो ब्रीदिंग उसके पहले हम आपको कुछ डायग्राम शो कर दें, देन हम इसको इजिली हम समझ पाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। ओके बेस्ट, हाँ बेटा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें एक्सहेलेशन और इनहेलेशन आते हैं, तो पहले तो आप समझ जाओ ब्रीदिंग क्या होते हैं, ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पे ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है बेटा? तो फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इन एंड आउट होती है। मतलब ऑक्सीजन जो रिच एयर में है वो क्या होगा, गिव आउट सीओ टू रिच, मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और सीओ टू बाहर आएगा, टेक प्लेस थ्रू द लाइफ, मतलब पूरे लाइफ में। व्हेन वी स्लीप, जब हम सो जाते हैं, तो क्या होगा, तब भी ऑक्सीजन इन एंड आउट होते रहते हैं, ठीक है, हमारी पूरी लाइफ, तो थ्रू आवर लाइफ व्हेन वी स्लीप ऑल्सो। तो व्हाट इज अ ब्रीदिंग, तो बोलोगे ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय द ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड मसल, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग हमने बोला, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाई द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। एंड द मसल ऑफ द रिब केज। इस कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, इंटरकोस्टल मसल बोलते, इंटर कोस्टल मसल, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अकर इन टू स्टेप। हमने अभी क्या बताया, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच प्रोसेस गैस इन एंड आउट, गैस आउट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ सीओ टू वाटर वेपर एंड गैस इन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो प्रोसेस हो रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो डायफ्राम, यहाँ पे जो रेड लाइन लगाई गई है ये डायफ्राम है, ठीक है, दिस इज अ डायफ्राम, क्या है ये, डायफ्राम, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, रिब केज हो गया, क्या हो गया हमारा, ये रिब केज, और उसके बीच में क्या है बेटा, मसल्स है, कौन सी मसल है, इंटरकोस्टल, इनका नाम दिया गया है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस रिबकेज, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, हम क्या कर पाते हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अकर इन टू स्टेप, कौन कौन से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या एक्सहेलेशन या इनहेलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन मतलब गैसों का, गैस कैसे हमारे बॉडी के अंदर इन करते हैं, ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी में इन करेगी। तो इनहेलेशन देखिए यहाँ पे, ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन को बेटा अंदर नेम है इंस्पायरेशन, क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोलोगे इनहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, क्या है ये, एक तरह का प्रोसेस है, तो हम बोल सकते हैं इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर सांस ले रहे हैं बेटा, फ्रॉम एटमोस्फियर इंटू द बॉडी, इंटू द बॉडी, कहां से ले रहे हैं, एटमोस्फियर से ले रहे हैं, और कहां ले रहे हैं, बॉडी के अंदर, किसके थ्रू ले रहे हैं बेटा, किसके हेल्प से, तो थ्रू द नोज, थ्रू द नोज के हेल्प से, ओके। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम क्या होता है, व्हाट विल हैपन, यही मैकेनिज्म है। तो आपको बताना है
देखो जब हम सांस को खींच रहे हो तो बहुत सारे एयर्स नोज के थ्रू अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और लंग्स में जाके भर रहे हैं। तो उनको भरने के लिए भी हमारे लंग्स में मैकेनिज्म होती है। वो किस टाइप की मैकेनिज्म है? तो जब हम एयर ब्रीद करते हैं, नोज के थ्रू अंदर ले जाते हैं, तो वो एयर क्या, उस एयर के वजह से हम ब्रीद करेंगे। तो देखो सांस लोगे तो आपका चेस्ट ऊपर की तरफ आएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो बेटा ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम देखो डोम शेप ले रहा है, ठीक है, और ये इसकी लूप जो अंदर की ये पार्ट है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये लूप जो है वो ऐसे बन रहा है, मतलब ये इसमें ये ऊपर भाग रहा है और ये इसकी स्पेस कम हो रही है, बी बना रहा है, ठीक हो, और ये समझ जाओ यू ज्यादा यू बना दे रहा है, फ्लैट यू बना रहा है। और ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? इनहेलेशन में भी बनाने की कोशिश करता है। तो डायफ्राम जब भी बनेगा तो उसकी जो डीप पार्ट है वो किधर की तरफ भागेगा? स्टर्नम बोन के ऊपर की तरफ भागेगा। तो वही बोलना है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन डायफ्राम कंट्रैक्ट, क्या होगा बेटा? डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, मूव डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की किधर की तरफ मूव करेगा? इनहेलेशन में, इनहेलेशन में डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब एयर आप ब्रीथ करोगे तो क्या होने वाला है? डायफ्राम मूव करने वाला है किधर की तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। मतलब डाउनवर्ड क्या मतलब, यहाँ पे एरो से कंफ्यूज ना होना, ये लूप जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है और इंटर के ये बीच की लूप जो है वो ऊपर भाग रही है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव करेगा, जैसे ऐसे, ठीक है, ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड भाग रहा है, ठीक है, लूप जो है डाउनवर्ड भाग रही है। तो डायफ्राम जब कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो किधर की तरफ भागेगा? डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। और उसी समय जो हमारा इंटरकोस्टल मसल, जो इंटरकोस्टल मसल है, एंड इंटर कोस्टल मसल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, किधर की तरफ जाएगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इंटरकोस्टल मसल किधर की तरफ मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इंटरकोस्टल मसल मूव किधर की तरफ? इंटरकोस्टल मसल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे? अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ड्यू टू द, जब वहां का रिपकेज क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड मूवमेंट इसलिए जाएगा क्योंकि रिपकेज क्या होगी? कंट्रैक्ट होगी और वो रिपकेज मसल को अपवर्ड पुश कर देगा, ठीक है। दीज मूवमेंट इंक्रीज द वॉल्यूम, और इस मूवमेंट के वजह से, ड्यू टू द दिस मूवमेंट, ड्यू टू द, ड्यू टू दी दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट से क्या होगा बेटा? जो रिपकेज है, ठीक है, इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम, चेस्ट के अंदर वॉल्यूम बढ़ा देगा। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज, द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी आर इंक्रीजेस एंड द एंड लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। लंग्स क्या होगा? लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एंड प्रेशर विल बी डिक्रीज, द लंग्स प्रेशर विल बी, एंड लंग प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, देन एयर फिल इन टू द लंग्स, देन एयर फिल इन टू द लंग, इसके वजह से एयर कहाँ भर जाएगा? लंग्स के अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सहेलेशन को समझते हैं। तो
आपको इनहेलेशन में क्या बताया मैंने कि इन ड्यूरिंग इनहेलेशन द एयर इंटर इनटू द लंग्स थ्रू द नोज। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, डोम शेप के होते हैं, डाउनवर्ड की तरह मूव करेंगे। एंड इंटरकोस्टल मसल जो रिब केज के अंदर पाए जा रहे हैं बेटा, जो रेडनेस यहाँ दिखाया गया इंटरकोस्टल मसल, ये क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे वजह से ऊपर की तरह मूव कर रहे हैं। और इस एक्टिविटी की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से लंग्स की कैविटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। लंग्स की कैविटी बढ़ने के वजह से उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और एयर आसानी से जाके इसमें फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इस फिनोमिना से क्या हो पा जाता है, इनहेलेशन डन हो पाता है। और इसी का अपोजिट है एक्सहेलेशन। इसी का अपोजिट क्या है, एक्सहेलेशन देखना है। ठीक है, तो सेम अपोजिट ऑफ द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होगा, सेम होगा। एक्सहेलेशन का भी निक नेम होता है, डू यू नो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कैसा प्रोसेस है बेटा, तो लेटिंग आउट द एयर थ्रू द नोज। ये एयर को आउट करता है लंग से एटमोस्फियर में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर। ओके, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। तो अब राइट नाउ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम, एक्सपेंड एंड मूव अपवर्ड डायरेक्शन। द इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, जो मसल रिब केज के अंदर पाए जाएंगे, एंड इंटरकोस्टल मसल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। इंटरकोस्टल मसल किधर की तरफ मूव कर जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। ओके, और ये क्यों, सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि ये रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू थ्रू द रिलैक्सेशन। Do the relaxation during in exhalation, diaphragm expand, move upward direction, ठीक है, ये move करेगा upward direction में, और intercostal muscle क्या करेगा बेटा, downward direction में आएगा। जैसे सांस छोड़ते हो तो क्या होते हो, रिलैक्स होते हो, तो चेस्ट में रिलैक्सेशन होगा। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिबकेज है, डाउनवर्ड की तरफ खींचेगी तो इंटरकोस्टल मसल किधर की तरफ मूव कर जाएगी, नीचे की तरफ, और इसके वजह से लंग्स की जो कैविटी है वो कम हो जाती है। ड्यू टू बोलोगे, ड्यू टू दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट, ड्यू टू दिस मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज डिक्रीजेस। क्या होगा बेटा, चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज डिक्रीजेस, और इस डिक्रीज होने से क्या होगा, वहां की प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड द प्रेशर, द लंग्स प्रेशर इज इंक्रीजेस, एंड लंग प्रेशर इस इंक्रीजेस। ओके, लंग प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एयर फिल, एयर आउट फ्रॉम द लंग्स। ओके, देन एयर आउट फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फियर। ओके,
ये हमारा प्रोसेस रहा इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। ब्रीदिंग रेट मैंने बता चुका हूँ, ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट किस पे डिपेंड करता है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो और मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी है एडल्ट ह्यूमन बींग का, 15 से 18 है, वुमेन्स में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंजो आप गैस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम अगले वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट होगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन में तो आप बता सकते हो, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जिससे इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं आगे का वीडियो आपके लिए और इसे क्या करता रहूँ, मॉडिफाई करके बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर व्यूइंग।